watching me on Expose India. Keep watching. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India. नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज। मैं हूं ट्विंकल कालानी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। केलारस में क्वारी नदी की रेत के अवैध उत्खनन तथा भंडारण की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई के दौरान गोल्हारी गांव में 150 और सेमना गांव से 250 रेत भरी ट्रॉलियां जब्त की गई। केलारस से राधा कृष्ण की रिपोर्ट। कैलारस तहसीलदार नरेश शर्मा और पहाड़गढ़ पुलिस थाना प्रभारी अविनाश राठौर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रेत का बड़ा भंडारण जब्त किया है। गोल्हारी गांव में 150 और सेमना गांव से 250 रेत भरी ट्रॉलियां जब्त की हैं। वहीं खनिज विभाग को कार्रवाई करने के लिए सूचित भी किया गया है। कैलारस से एक्सपोज फॉर इंडिया की रिपोर्ट। मिल रही थी कि गोल्हारी में रेत का अवैध रूप से परिवहन एवं अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में मेरे द्वारा एवं पहाड़गढ़ थाना प्रभारी अविनाश राठौर जी के द्वारा गोल्हारी क्षेत्र का औचक भ्रमण किया गया। उसके दौरान गोल्हारी में करीब 150 ट्रॉली के आसपास अवैध रूप से रेत डंप पाया गया। इसी के साथ साथ जब आगे सेमना की ओर गए तो वहां पे करीब 250 से 300 ट्रॉली रेत अवैध रूप से डंप पाया गया। उन दोनों की जब्ती बना दी गई है एवं खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया। आगे फ्यूचर में स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं खनिज विभाग के संयुक्त दल बनाकर चंबल रेत का जो अवैध परिवहन एवं भंडारण किया जा रहा है तो पूरी रणनीति के साथ उस पर भी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में शासन के जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना काम करवाने के लिए ऑफिसों के इतने चक्कर लगवाते हैं कि उनके चक्कर खत्म नहीं होते लेकिन आदमी खत्म हो जाता है। ऐसा ही एक मामला मेघनगर ब्लॉक के ग्राम नया गांव जागीर का सामने आया है। झाबुआ से भूपेंद्र बरमंडलोई की रिपोर्ट। इस गाँव का बलवंत खसावत जमीन विवाद को लेकर काफी परेशान था। काका के आतंक के कारण वह झाबुआ में नौकरी कर रहा था और जब खेती करना हो तो वह गांव आता था। काका और अन्य परिजन ने जमीन व घर पर कब्जा करके बलवंत को धमकाया। खेत में खड़ी फसल को भी नष्ट कर दिया गया। बलवंत द्वारा कई बार तहसील कार्यालय मेघनगर में शिकायत की, खूब फेरे लगाए पर कार्रवाई नहीं की गई। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होता देख कर बलवंत मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया कि उसने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना को लेकर मृतक युवक के मामा ने उसके काका भवर सिंह और रमन मंत्री पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। झाबुआ से एक्सपोज फॉर इंडिया की रिपोर्ट। देखिए, पटवारी द्वारा पैसे मांगे गए जमीन विवाद को लेकर। इस बारे में क्या कोई सबूत प्रस्तुत किया है? हमारे पास तो कोई सबूत नहीं दिया है। पटवारी ने पैसे मांगे सर, उन्होंने कोई कागज ऐसा दिया? उन्होंने कोई शिकायत करी है कि पटवारी द्वारा राशि की मांग की? सुसाइड नोट लिखा है। सुसाइड नोट पुलिस जांच करेगी? उसका काम वो पुलिस का काम है जांच करना। सर, मृतक के मामा का खुला आरोप है कि तहसील में कई बार आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल गलत आरोप है। आवेदन उसने दिया था, उसकी जांच हो गई। 3 तारीख 31 तारीख को जांच हुई है। रिपोर्ट भी बनी हुई, पूरी फाइल बनी हुई है। CM हेल्पलाइन पर इसके द्वारा शिकायत की गई थी बलिवीर के द्वारा, उसकी जाँच पूरी हुई है और उस CM हेल्पलाइन के ऊपर उत्तर भी डाला हुआ है। हाँ, बलवीर करके काफ़ी, मतलब क्या है कि इसके बच्चे, इसके माँ बाप दोनों बचपन से ही शांत हो गए थे। हमने इसको लान किया, बड़ा किया, प्यार किया, शादी करी दो बार। उसके बाद काफ़ी परेशान रहा है। उसके बाद 5 साल इसकी शादी की, हमने 2 बार शादी करने बाद हमारे नायक समाज ने इसको जमीन दिलवा दी थी। जमीन देना दिलाने के बाद ये 5 वर्षों का करते करते उसके बाद इसके काका जी ने, भंवर सिंह ने और तथा रमन मंत्री ने द्वारा कब्जा कर लिया गया वापस। इसको जब भी जमीन करने जब तक मारपीट करते हैं और हमने पटवारी कई आवेदन दिए हैं और कई आवेदन, उसके बाद हमारी कोई इस बच्चे कोई जानकारी, इस बच्चे कोई सुनाई पटवारी तहसीलदार वगैरह किसी ने नहीं की गई है। और ये बच्चा काफ़ी प्रताड़ित परेशान हो गया है। भंवर सिंह, रमन मंत्री ने काफ़ी परेशान कर दिया है, तभी ये प्रताड़ित होकर आज इसने आत्महत्या कर ली गई है। आत्महत्या का कारण क्या? आत्महत्या के, इससे प्रताड़ित परेशान खूब किया, जमीन नहीं दी, घर रहने के, भंवर सिंह ने। कौन है भंवर सिंह? भंवर सिंह नायक, इसका काका जी, और इसके काका जी और रमन मंत्री के द्वारा इसको जब भी वहाँ जाता था जमीन लेने के लिए, जमीन करने के लिए, मार मार के रमन मंत्री के द्वारा तथा भंवर सिंह के द्वारा मार मार के भगाया जाता है। और ये काफ़ी परेशान हो गया है, अंतिम हो गया है। काफ़ी किसी ने इसकी सुनवाई नहीं करी, न न्यायालय तहसीलदार साहब ने नहीं करी, न नेटवर पटवारी के द्वारा नहीं की गई है। मैं कई बार इनके हाथ जोड़ते हैं पटवारी के द्वारा, नेटवर पटवारी ने द्वारा मेरे द्वारा 500 रुपये जब लिया और कोटवाल
भरत सिंह ने जो मेरे पास 100 रुपए लिए उसके बाद ये गए मुख्य पर एक बार जांच करने के लिए, इसका कोई जांच का कोई हल नहीं हुआ है। आप ये बताओ आपने तहसील में कितनी बार आवेदन दिया? मैंने 5 से 6 बार आवेदन दिया। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि कर लेंगे, आज जाए कल जाए, आज जाए, इसका पटवारी तहसीलदार सभी इस बात को टोलते रहे और ये बच्चा आज काफी परेशान होते हैं, इसे आत्महत्या कर ली गई। कब फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए एक्सपोज फॉर इंडिया न्यूज पर। Alia Bhatt, you're watching Expose India. Keep watching. Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India.